Hey, good morning students. It's me, Priyanka Tyagi, your economics teacher. So, kal humne padha tha ki agriculture sector ka kya condition tha on the eve of independence, independence ke time pe. Ab hum padhenge ki industrial sector ka kya condition tha on the eve of independence, independence ke time pe. To jaise ki hum jante hi hain ki agriculture sector was the most prevalent at the time of independence and still it is most of the people are employed in the agriculture sector. पहले भी लोग सबसे ज़्यादा जो काम करते थे तब भी वो agriculture sector में थे और आज भी सबसे ज़्यादा जो लोग busy हैं employed हैं वो agriculture sector में ही है. और उस time पे about 85% of the people were busy in the agriculture sector. Only 10 to 12% ही हमारा आपका agriculture industrial sector में लोग काम करते थे. 10 to 12% nearly. ठीक है. तो पहले तो हमारी जो इंडिया पहले तो जो हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स जब आए तो उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था तो इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स कॉटन एंड सिल्क प्रोडक्ट्स. कॉटन और सिल्क के प्रोडक्ट के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस था, वेल नोन था. ठीक है, उनकी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा वेल नोन था. पर जो ब्रिटिशर्स आए तो उनके आने के बाद हमारा ये सारी चीज़ें जो हमारी ख्याति थी हमारे कॉटन और सिल्क के लिए वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी. ठीक है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदलने लगा. ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आखिर पहले है क्या ये समझेंगे. इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोलना, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का बढ़ना. पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा. अब ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसका कम हो जाना. ब्रिटिशर्स के आने से पहले थी वो, कुछ हद तक थी. ठीक है, पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया, इन एक्टिविटीज़ में कमी आने लगी. अब ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले दिया था आपके सर विलियम बेंटिक ने. कौन थे ये सर विलियम बेंटिक? सर विलियम बेंटिक थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम द पीरियड 1833 टू 1835. ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे. तो ये सबसे पहले क्या लाए थे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये सबसे पहले, मतलब इनिशियली इनसे इन्होंने ही शुरुआत की थी. ठीक है, अब जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे यहाँ एकदम मतलब जो इंडस्ट्रीज थी उसको ख़त्म करना चाह रहे थे. ख़त्म करने की उनकी क्या पॉलिसी थी ये देखेंगे हम अब. तो जो इनकी ख़त्म करने की पॉलिसी थी हमारे यहाँ से इंडस्ट्रीज़ की वो टू फोल्डेड थी. टू फोल्डेड पॉलिसी थी इनकी हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म करने की, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की. तो पहला क्या है, टू रिड्यूस इंडिया स्टेटस टू मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन. तो ये क्या बनाना चाहते थे, इंडिया को मात्र एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल का, जो भी उनकी अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज है ब्रिटेन में. यानी कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बनने वाली, मॉडर्न इंडस्ट्री जो बनने वाली है उसके लिए हमारे को केवल रॉ मटेरियल का सप्लायर ही एक तरीके से बनाना चाहते थे. ठीक है, एक काम तो इनका ये था. तो देखो मतलब हो क्या रहा था, एक तरफ से हमारे देश का रॉ मटेरियल ले गए और वहाँ पर उसके जगह में क्या कर दिया, रॉ मटेरियल से वहाँ की मॉडर्न इंडस्ट्रीज बना ली, वहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज तैयार कर दी जिससे इस रॉ मटेरियल से वो कुछ प्रोड्यूस करें. ठीक है, दूसरा काम इन्होंने क्या किया, और दूसरा काम ये किया कि इंडिया टू टर्न इंडिया इंटू स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर फिनिश गुड ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री सो दे कैन कंटिन्यू मैक्सिमम एडवांटेज टू ब्रिटेन. और दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि इंडिया का वो एक बड़ा मार्केट बना दिया फिनिश प्रोडक्ट का. यानी कि जो भी यहाँ से माल ले जाया जाए उसको फिर बना के यहीं पर बेचने आ जाते थे. ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर रहे थे. यहीं से सामान रॉ मटेरियल ले गए, बना के फिर यहीं को
बेच दिया और यहाँ की इंडस्ट्रीज को एक तरीके से क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये इनकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी थी। अब इससे हो क्या रहा था, वो यहाँ से जब रॉ मटेरियल ले जा रहे थे तो यानी कि यहाँ पर से रॉ मटेरियल ले गए तो यहाँ पर इंडस्ट्री बनने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद वो फिर वहाँ जो ले गए तो मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री सारी फिर वहीं बनेगी, और फिर बंद करके यहीं पर ले आ रहे तो यहाँ पर हम केवल फिनिश प्रोडक्ट के कंज्यूमर बन के रह गए केवल एक तरीके से। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम कि स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग फीचर। अब क्या हमारी कंडीशन थी, ये तो उनकी पॉलिसी थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की। ठीक है, क्या करना, रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाना, फिनिश प्रोडक्ट यहाँ वापस ले आना और इस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। रॉ मटेरियल भी सस्ते दाम पे ले जाना, फिनिश प्रोडक्ट भी थोड़ा महंगे दामों पे बेचना, इस तरीके से प्रॉफिट को अर्न करना। अब देखेंगे हम कि कंडीशन क्या थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तो उन्होंने पॉलिसी बता दी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अब कंडीशन क्या थी अब हम वो देखेंगे। तो पहले देखो दो फीचर्स हम इसमें मेन देखेंगे और उसके अंदर फिर कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो पहला फीचर है हमारा डीके ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी होता है इंडिजीनियस का। तो जो डीके ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनका डीके होना, उनका एक तरीके से ख़त्म होना, विलुप्त होना। ठीक है, तो अब हम पहले पॉइंट को स्टडी करेंगे, सारे इसके पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट भी देख लो। वैसे स्लो प्रोग्रेस या ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, पहला तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो रही थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, दूसरा स्लो प्रोग्रेस या ग्रोथ हो रही थी किसकी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की। ठीक है, जो मॉडर्न इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ हो भी रही थी तो वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे कुछ पॉइंट्स क्या क्या है, क्या क्या है इसमें पॉइंट्स देखेंगे। तो क्यों हो रही थी डीके, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, अब ये टैरिफ पॉलिसी आखिर क्या होती है, पहले इसको समझेंगे। ठीक है, तो टैरिफ पॉलिसी वो पॉलिसी होती है, मतलब एक तरीके से टैक्स से रिलेटेड होती है, वो टैक्स जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इम्पोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स पे जो लगने वाला टैक्स होता है उसे बोलते हैं हम टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, या टैरिफ उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जिसके कारण डिके हुआ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। अब क्या भेदभाव था ये, फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटेन मेड गुड टू इंडिया। ठीक है, अब जो एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से रॉ मटेरियल का इंडिया से वो फ्री, अब जो इम्पोर्ट हो रहा है ब्रिटेन मेड गुड का वो भी फ्री। यहाँ से जो हम रॉ मटेरियल ले जाएंगे, रॉ मटेरियल ले जाएंगे तो क्या होगा, सस्ता बैठेगा ना उनको, टैक्स नहीं लगेगा तो सस्ता बैठेगा। 10 रुपये उन्होंने किसान को दिया किसी एक चीज़ का, 10 रुपये मान लो किसी एक चीज़ का उन्होंने दिया, टैक्स नहीं लगा तो 10 ही का पड़ेगा। ठीक है, अब वहाँ से भी लेके आएंगे, फ्री रहेगा वो भी, तो जितने भी उनका प्रोडक्ट, मतलब उनको टैक्स कहीं पर नहीं देना पड़ रहा। टैक्स नहीं पड़ने से क्या होती है, कुछ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, ना उन्हें इम्पोर्ट रॉ मटेरियल ले जाने में टैक्स पड़े, ना रॉ मटेरियल लाने में टैक्स पड़े, जिससे कि उनको सस्ता पड़ जाता है वो। और दूसरा, हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब जो मान लो यहाँ पर कुछ हैंडीक्राफ्ट बन भी रहे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट बन रहे हैं, उसको यहाँ से अगर हमने बाहर बेचना है, इंडिया से अगर हमने हैंडीक्राफ्ट्स को बाहर बेचना है, मान लो दूसरे देशों में बेचना है, तो उनमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। मान लो कोई इंडियन मेड गुड्स अगर 500 का होता है तो उसमें टैक्स लगने के बाद, मान लो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया उन्होंने, 500 का ही लगा दिया मान लो, तो ये 1000 रुपीज़ का ये हो जाता था, 500 की चीज़ 1000 की हो गई। ठीक है, तो 1000 का फिर कौन लेगा, 500 की चीज़ अगर 1000 में मिलेगी तो कौन लेगा। तो कहने का मतलब ये क्या है कि इंडिया के गुड्स में तो बहुत ज़्यादा वो टैक्स लगाते थे। ठीक है, जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनमें टैक्स लगाते थे, और अपना जो भी सामान वो यहाँ ला रहे हैं और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं तो उसको वो क्या रखते थे, फ्री, टैक्स फ्री ही रखते थे। तो इस तरीके से उनकी जो डिस्क्रिमिनेटरी थी उनकी टैरिफ पॉलिसी, जिसके वजह से अब हमारा सामान महंगा हो गया
तो इस तरीके से क्या होगा, फिर कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा नहीं तो क्या हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिके हो गया। तो पहला पॉइंट क्लियर है आप लोगों को कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, मतलब टैरिफ पॉलिसी का जो भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी थी, तो उसके कारण क्या हुआ, आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, क्योंकि ज़्यादा टैक्स वो हमारे प्रोडक्ट में लगा रहे थे और अपने लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों फ्री कर रहे थे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, लो प्राइस ऑफ मशीन मेड गुड्स। अब देखो, कोई भी अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, अगर मान लो हम हाथ से बनाते हैं कोई चीज़, मान लो हमने स्वेटर बनाई घर में, बुनी हमने स्वेटर, एक स्वेटर बनाते बनाते पूरा 1 साल लग गया, ठीक है, या मान लो 2-3 महीने लग गए, चलो ठीक है, 2-3 महीने में एक स्वेटर तैयार हो गई। पर अगर हम मशीन से बनाते हैं तो वो स्वेटर 2 दिन में बन के तैयार हो जाती है। तो यानी कि अगर हम 1 महीने में बनाएंगे तो 1 महीने में लगभग, अगर 2 दिन में बन के एक स्वेटर तैयार होती है तो 1 दिन में यानी 1 महीने में यानी कि 15 स्वेटर तैयार। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, मशीन मेड, अब जो कॉस्ट हमें लेबर को उसमें पे करनी पड़ती थी वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, एक लेबर पूरा 1 महीने तक उसे बना रहा है, पर डे की दिहाड़ी अगर वो लेगा तो उसकी ज़्यादा पड़ेगी, पर जो मशीन से बन रहा है वो तो जल्दी जल्दी बन रहा है तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो इस तरीके से क्या होता था, लो प्राइस ऑफ मशीन मेड गुड्स, जो भी ब्रिटिशर्स के जो मशीन मेड गुड बन के या तैयार होके आते थे वो क्या थे, बहुत चीपली अवेलेबल थे, बहुत चीपली अवेलेबल थे इंडियंस को। इंडियन के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो महंगे थे और इंडिया की जनता वैसी गरीब, तो खरीदेगी क्या, वो जो चीज़ उन्हें सस्ती लगेगी वही खरीदेगी, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे इंडियन के गुड़ नहीं बिके और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिके हो गया। ठीक है, फिर भी हम आगे इस पॉइंट को देखेंगे। देखो, कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटेन मेड गुड्स लीड टू डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स। ठीक है, तो जो कंपटीशन रहा इंडियन और ब्रिटेन मेड गुड्स में, उसके कारण क्या हुआ, डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर इंडियन गुड्स एज द ब्रिटेन मेड गुड्स फॉर चीपली अवेलेबल। इंडिया के गुड्स थी जो, उनकी डिमांड कम हो गई क्योंकि जो ब्रिटेन के गुड्स थे वो क्या थे, हमें चीपली अवेलेबल थे। ठीक है, सस्ते दामों पे हमें अवेलेबल थे, इसलिए उनकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ये पॉइंट पे आई थिंक आपको क्लियर होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, थर्ड पॉइंट, चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, देर हैज़ बिन चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज विच लेड टू डिके इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब देखो, जैसे जैसे यहाँ ब्रिटिश गुड्स आ रहे थे, ठीक है, जैसे मान लो पहले के लोग यहाँ कुर्ता पजामा पहनते थे, ब्रिटिश गुड्स आए, उन्होंने टी शर्ट ले आए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए सूट ले आए या जीन्स टॉप ले आए, तो हमारे इंडियंस इंडियंस लोग भी साड़ी वगैरह पहनना प्रिफर नहीं किया, कुर्ता पजामा पहनना प्रिफर नहीं किया, ब्रिटिश गुड्स नए नए मॉडर्न कपड़ों की तरफ क्या हो गए, वो अट्रैक्ट हो गए। अब जिसके कारण क्या हुआ, मॉडर्न मॉडर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने फिर अपने देसी सामान को पसंद ही नहीं किया, जिसके कारण अगेन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिके हो गया। ओके, उनके मतलब टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आए इंडियंस के, तो उसके कारण क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का अगेन डिके हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉल इन द एनकरेजमेंट टू हैंडीक्राफ्ट्स। अब हैंडीक्राफ्ट को इनकरेजमेंट भी क्या हुआ, कम ही मिला इस वजह से। देखो, लोग और तो कोई ले नहीं सक रहे अब, बहुत क्योंकि बहुत कॉस्टली वो मिला करते थे तो कोई उनको प्रेफर करता नहीं था। ठीक है, केवल नवाब और प्रिंस जो हुआ करते थे वही उनको पहनना पसंद करते थे क्योंकि वही उनको अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए उनको हैंडीक्राफ्ट को कहीं से भी इनकरेजमेंट मिला नहीं, कोई उन्हें खरीदना पसंद नहीं करता था क्योंकि बहुत कॉस्टली हुआ करते थे। ठीक है, अब वैसे मॉडर्न कल्चर आ रहा था तो लोग उनके तरफ क्या और थे, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फिर एक तरीके से ख़त्म ही हो गई क्योंकि कुछ ही लोग थे उनको खरीदने वाले। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर होंगे, एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या क्या देखा हमने पॉइंट्स, कि डीके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्यों हुआ, एक तो उनकी जो भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी थी इसके कारण, दूसरा कि जो सस्ते दामों पे हमें मशीन मेड गुड्स मिल रहे थे इसके कारण भी डीके हो गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, तीसरा टेस्ट और प्रेफरेंसेस में लोगों की चेंजेस आ गए तो इसलिए भी वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, तो इसलिए भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म होने लगी। नेक्स्ट कि फॉल इन द इनक्रेजमेंट टू हैंडीक्राफ्ट, इनक्रेजमेंट नहीं मिला आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, तो इस वजह से भी क्या हुआ, आपकी
जो डिके हुआ इंडस्ट्री का, आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, वो हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि स्लो प्रोग्रेस मॉडर्न इंडस्ट्री की क्यों हो रही थी। मॉडर्न इंडस्ट्री की जो प्रोग्रेस थी वो स्लो क्यों थी। ठीक है, क्यों हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं बन पा रही थी, क्यों उनकी ग्रोथ स्लो थी। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे लॉप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। लॉप साइडेड यानी कि एक तरफा। तो देखो, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू, बट इट वॉज वेरी स्लो। तो 19th सेंचुरी के टाइम पे मॉडर्न इंडस्ट्री बनने लगी, स्टार्ट होने लगी, पर ये क्या था, बहुत ही स्लो प्रोसेस था मॉडर्न इंडस्ट्री के डेवलप होने का। ठीक है, इट वॉज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री, कॉटन मिल्स वर डोमिनेटिंग मेनली इन द महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ही था। ठीक है, एक तरफा, जैसे कि उन्होंने बोला लॉप साइडेड था, लॉप साइडेड यानी कि एक तरफा, तो केवल वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ही था जहाँ पर हमको कॉटन मिल्स थी वेस्टर्न पार्ट में, जो कि मेनली कहाँ पे थी, आपके महाराष्ट्र एंड गुजरात में, और जूट मिल कहाँ पे, बंगाल में। ठीक है, उसके बाद टाटा आयरन स्टील कंपनी सेटअप हुई। ठीक है, कब, 1907 में। इम्पॉर्टेंट है ये जो ईयर्स आ रहे हैं, ये आपको जो मैं सर्कल कर रही हूँ इन्हें ध्यान देना है, क्योंकि वन मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए ध्यान देना है इसको। तो टिस्को कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, 1907 में टिस्को इनकॉर्पोरेट हुआ। फ्यू मोर इंडस्ट्री केम अप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट स्टिल ग्रोथ वॉज स्लो। ठीक है, कुछ और इंडस्ट्रीज भी आई, पर अगेन ग्रोथ बहुत स्लो थी, और ये पेपर वगैरह की इंडस्ट्री थी, पेपर सीमेंट इस तरह की इंडस्ट्रीज और आई, पर ग्रोथ अगेन बहुत ज़्यादा स्लो थी। ठीक है, लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी डी पी। ठीक है, लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी डी पी यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो बहुत ज़्यादा कम था जीडीपी को। ठीक है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिए जो कंट्रीब्यूशन था बहुत ज़्यादा कम था। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि एग्रीकल्चर का सेक्टर ज़्यादा शेयर था, वो जीडीपी का ज़्यादा शेयर, मतलब एग्रीकल्चर के ही सेक्टर का था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कम था, तो लोअर कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में। ड्यू टू द लेस ग्रोथ ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, देयर वॉज लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम जनरेशन। क्योंकि ग्रोथ ही नहीं थी, नई इंडस्ट्रीज़ ही नहीं थी इतनी, तो इसलिए लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता था, इनकम जनरेशन भी कम ही होता था, इसलिए लो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता था। लो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होगा, इनकम कम होगी, तो मॉडर्न इंडस्ट्री भी फिर कहाँ खुलेगी, उसका भी स्लो प्रोग्रेस होगा। ठीक है, इंसान की इनकम जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ग्रो करता है। ठीक है, पर इनकम ही नहीं है तो वो फिर कहाँ से ग्रो करेगा, इसलिए मॉडर्न इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर पाई। ठीक है, थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अब देखो, कैपिटल गुड पहले क्या है वो समझ लो। वैसे मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया था कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, बट स्टिल कैपिटल गुड्स दोबारा से समझ लीजिए। तो दो तरह के हमने बहुत सारे गुड टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े थे, पर कैपिटल गुड क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। कैपिटल गुड यानी कि ऐसा गुड जिसको हम क्या कर रहे हैं, कोई भी न्यू गुड बनाने में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मशीनरी है, मशीनरी को हम क्या बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई भी नई चीज़, जैसे मान लो लेस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं मशीनरी का, कपड़े बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ कैपिटल गुड। द गुड विच इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, दैट इज़ कैपिटल गुड। ट्रैक्टर हो गया, मशीन हो गई, ये सारी कैपिटल गुड्स में आ जाती है। तो लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़, हमारे यहाँ क्या थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की कमी थी। इट वॉज इस्टेब्लिश नो डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इट रिजल्ट इन नो डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्यू मैनुफैक्चरिंग यूनिट वॉज नो सब्सटीट्यूट ऑफ अ कंट्री ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, तो हुआ क्या कि बहुत सी किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में। हालांकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनी, कुछ इंडस्ट्रीज बनी, पर वो हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सब्सिट्यूट नहीं कर पाई। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल गुड ना होने के कारण हमारे यहाँ क्या थी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का स्लो प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, ओके, तो लास्ट पॉइंट अब हमारा लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, लिमिटेड पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो
लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर था उसका लिमिटेड ही एरिया था किस चीज़ का, काम का, ठीक है। वो किस में थे, केवल वो सीमित थे, कन्फाइंड थे। वो किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, रेलवेज के लिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों तक ही वो सीमित थे। उन्होंने विच वॉज नॉट एडिक्वेट, और ये क्या, ये सीमित, ये पर्याप्त नहीं था हमारे लिए, एज देयर वॉज मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल गुड इंडस्ट्री। क्योंकि हमें क्या रिक्वायरमेंट थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी, तो ये हमारे लिए सफिशेंट नहीं था। और गवर्नमेंट केवल पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, रेलवेज, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा काम कर रही थी, ठीक है। तो जिसके कारण हमारा स्लो प्रोग्रेस हुआ मॉडर्न इंडस्ट्री का। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे पूरा। तो आज हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने क्या देखा, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में जब आए तो उन्होंने यहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया, बल्कि उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। और ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने वाले सबसे शुरुआत में कौन थे, सर विलियम बेंटिक, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1833 to 1835, ये यहाँ रहे, ठीक है। इनकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी क्या थी, इन्होंने इंडिया को क्या कर दिया, एक्सपोर्टर बना के रख दिया रॉ मटेरियल का, ठीक है, ताकि उनकी जो अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज है ब्रिटेन की, वो उनके लिए हो जाए रॉ मटेरियल। और इंडिया को क्या बना दिया, फिनिश प्रोडक्ट का कंज्यूमर बना दिया। इस तरीके से वो डबल एडवांटेज लिया करते थे, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल और फिनिश प्रोडक्ट भी उनका बिक जाता था, ठीक है। अब जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको हम कुछ फीचर्स में समझेंगे, कैसा था उस टाइम पे, इन दो फीचर्स में समझेंगे। तो हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, डिके ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो ख़त्म होने के क्या क्या कारण थे, तो पहला जो उनकी डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स वाली पॉलिसी थी, टैरिफ पॉलिसी जो थी उनकी, वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, भेदभाव वाली थी। अब कैसे थी भेदभाव, वो क्या करते थे, जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा हो रॉ मटेरियल उनकी कंपनी के लिए, उनकी कंट्री के लिए, उसमें वो टैक्स नहीं लगाते थे ताकि उनको सस्ते दाम पे पड़ जाए। और फ्री में इंपोर्ट करते थे क्या, यहाँ पर जो भी उनका फिनिश गुड था वो फ्री में इंपोर्ट करते थे, जिससे उनको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं पड़ता था और वो सस्ते में हमको उनके प्रोडक्ट मिल जाते थे। और इस तरीके से इंडिया से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते थे। और जो भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे हम हैंडीक्राफ्ट, उसमें वो ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, जिसके कारण हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। क्योंकि जब वो महंगे बिकेंगे हमारे प्रोडक्ट, तो कोई उनको खरीदेगा ही नहीं, महंगे होंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म। दूसरा, लो प्राइस ऑफ मशीन मेड गुड्स, जो मशीन मेड गुड्स होते थे उनके जो प्राइस थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि टैक्स ही नहीं लग रहा तो प्राइस भी कम, जिसके कारण ज़्यादा यही बिका करते थे, ठीक है। और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फिर से ख़त्म। चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आया, उन्होंने ज़्यादा प्रेफर करने लगे मॉडर्न कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को, तो जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अगेन ख़त्म। देन फॉल इन द इंकरेजमेंट टू हैंडीक्राफ्ट, फॉल इन द इंकरेजमेंट टू हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट को किसी भी तरीके का इंकरेजमेंट नहीं मिला। कोई नवाब प्रिंसेस ही उन्हें खरीदते थे और कोई उनको खरीदता नहीं था, सपोर्ट नहीं करता था, तो जिसके कारण अगेन डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दूसरा, हमारी स्लो प्रोग्रेस क्यों हो रही थी मॉडर्न इंडस्ट्री की, उसके कारण अब हम देखेंगे। ये कंडीशन थी मॉडर्न इंडस्ट्री की, स्लो ग्रोथ हो रही थी उस टाइम पे। तो एक तरफा हमारा जो था ग्रोथ हो रहा था इंडस्ट्री का, ठीक है। टिस्को भी 1907 में आए, इनकॉर्पोरेट भी, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ही कुछ इंडस्ट्रीज आई जिनकी भी बहुत स्लो ग्रोथ हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन था जो GDP का बहुत ज़्यादा कम था इंडस्ट्रियल सेक्टर से, कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, इस वजह से भी स्लो प्रोग्रेस। इन द लास्ट वन, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के ऑपरेशन का लिमिटेड एरिया था, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन और रेलवे तक ही था, ठीक है। जो कैपिटल गुड की इंडस्ट्री उन्हें सेटअप करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की, जिसके कारण अगेन स्लो प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम फॉरेन ट्रेड का देखेंगे। थैंक यू।